सर मेरे ब्रदर का विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। डिपार्टमेंट ने यह कह के विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किया है कि उन्होंने वापस नहीं जाना। हूँ तुम दसो कि असं अगे की कर सकते हैं सर। देखो विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होने का सब तो मेन कारण यही है जेन्यून टेंपरेरी एंट्रेंट है। सानू लगता तुम वापस नहीं जाना, थोड़े फाइनैशियल टाइज, थोड़े इकनोमिक, थोड़े परसनल टाइज, थोड़े होम कंट्री के नाल बहुत स्ट्रोंग नहीं है। विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होने का सब तो वड्डा कारण यही है। विजिटर वीज़ा उन्होंने मिलता है जिहड़ा एक जेन्यून विजिटर हो गया, उहदे लई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी जेन्यून विजिट के रीजनस दिखाओ कि रीज़न है तुम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा अपनी होम कंट्री के विच की है, थोड़ा बिजनेस, थोड़ी ऑक्यूपेशन, थोड़ियाँ पे स्लिप्स, थोड़ी कोई प्रॉपर्टी उत्थे हैगी, जायदाद हैगी है जिन्होंने तुम शो कर सकते हो, थोड़ी ट्रैवल हिस्टरी पास्ट के विच। जे तुसी वीज़ा फ्री कंट्री ट्रैवल नहीं किए बट ऑस्ट्रेलिया का बार बार वीज़ा अप्लाई करते हो, कितने ना कितने क्वेश्चन पूछा जाता ऑस्ट्रेलिया घूमन आना बट अज तक तुम वीज़ा फ्री कंट्री कभी भी ट्रैवल नहीं किया, कि थोड़े को सफिशियंट सेविंग्स हैगियां कि जिन्हों यूज़ करके तुसी ऑस्ट्रेलिया वर्गे महंगी कंट्री दे विच आके छुट्टियां बिताना चाहते हो, कि ऑस्ट्रेलिया आन का कारण थोड़ा कोई रिश्तेदार, थोड़ा ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, बच्चे, कोई पीआर या सिटीजन या स्टूडेंट वीज़ा या 485 वीज़ा तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसलिए तुसी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिहड़े इकट्ठे मिल के एक डिसाइड करते हैं कि विजिटर वीज़ा ग्रांट होएगा या नहीं होएगा, विजिटर वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, यदा जवाब कभी भी कोई एजेंट हाँ या ना दे विच नहीं दे सकता, बिकॉज दे डोंट कंट्रोल द वीज़ा डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुसी अपनी फाइल एक खरे एजेंट को प्रिपेयर कराओ जिन्हों पता हो विजिटर वीज़ा किदा लैके आईदा, किदा फाइल प्रिपेयर करनी, नहीं तो सिर्फ अपलाई कराना 20-25 मिनट लगते, ईमेल अकाउंट अपना क्रिएट करके अपलाई कर सकते हो, बट जे तुसी चाहते हो कि थोड़े प्रोस्पैक्ट वधन, थोड़े चांसिस वधन, थोड़े ते थोड़े रिश्तेदारां दे विजिटर वीज़ा दे, यू नीड टू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। अपलाई कराना चाहते हो सानू एक बार जरूर आ